हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ बहुत सारी ये ड्रेसेस जो कि मैंने अमेजोन से परचेज़ की हैं। तो बस आज यही शेयर करने वाली हूँ। आज आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है कुर्तियाँ मिल जाएंगी, प्लाजो सेट्स मिल जाएंगे, अनारकली गाउन, फ्लोर लेंथ गाउन मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले इस वाले फ्रॉक, तो ये जो फ्रॉक है ये मैंने मंगाई हुई है और इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और प्राइस भी मतलब एकदम लोएस्ट प्राइस में मुझे जो है रिसीव मिल रहा था वहाँ पे अमेज़ोन पे। तो बस मैंने फटाक से इसको बाय कर दिया। और ये देखो यहाँ पे 3-4 स्लीव्स मिल जाती हैं, ऊपर से एक कपड़ा लगाया गया है ब्लैक कलर में। तो मतलब इसको डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब आप जैसे कि अभी विंटर्स आने वाले हैं तो उसमें आप पहन सकते हैं। और ये ना कॉटन मिक्स है तो गर्मियाँ भी अभी चल रही हैं अभी फ़िलहाल, तो गर्मियों के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है इसमें। और ये देखो ये जो कुर्ती है ना, ये मुझे नीता का रही है। मैंने ऐसे शॉर्ट वाली फ्रॉक मंगाई हुई थी क्योंकि मेरे पास इस टाइप की ऐसी कोई कुर्ती नहीं थी और ये कलर तो बिल्कुल भी नहीं था, मेहंदी ग्रीन कलर। तो ये कलर मुझे मंगाना था काफ़ी दिन से, मैं सोच रही थी कि कुछ इस टाइप के कलर भी पहनूँ मैं। तो ये देखो नीचे गियर में भी कुछ इस टाइप से दिया है और ये फ्रंट है इसका और बैक भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बैक में भी कुछ ऐसा ही दिया गया है, ये देखो मतलब पूरे में बॉर्डर दिया गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे आगे बॉर्डर दिया गया हो। तो फर्स्ट कुर्ती मेरी ये है एंड सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड एक है फ्रॉक और प्लाजो सेट्स, तो वो मैंने मंगाया हुआ है, ये प्योर कॉटन में है। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो फर्स्ट मैं इसका टॉप दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इसका ये है टॉप जो कि अम्ब्रेला फ्रॉक जो होती हैं उस टाइप में है। और यहाँ पे इसका ये कुछ इस टाइप का नेक दिया गया है और ये 3-4 स्लीव्स हैं और उसके ऊपर ये इस टाइप की कुछ लेस लगाई गई है। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका प्रिंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इसका प्रिंट बहुत अच्छा है। यहाँ से ऑरिव घेर दिया है, इसमें घेर काफ़ी ज़्यादा है गाइस, और पहनने के बाद में ये फ्रॉक जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और बस इस टाइप से ही आपको ये मिलेगा, घेर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका। और कपड़ा तो है ही फिर कॉटन, तो अभी जो है गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के हिसाब से ये भी मैंने मंगाए हैं, और कुछ मैंने विंटर्स के लिए भी मंगा लिया था। ठीक है, तो ये है इसकी फ्रॉक। और अब बात कर लेते हैं इसके बॉटम की। तो यहाँ पे ये देखो ये मिल जाता है इसका बॉटम, तो ये है इसका बॉटम, तो ये है प्लाजो और इसके ऊपर भी वही सेम डिज़ाइन दिया गया है जो कि फ्रॉक के ऊपर दिया गया है, मतलब कि कुर्ती के ऊपर दिया गया है। और नीचे यहाँ पे इस टाइप की लेस हमें मिल जाती है बिल्कुल बारीक सी ही। तो ये है इसका बॉटम, इसके साथ में दुपट्टा नहीं आया है तो दुपट्टा आपको अलग से ही परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ में दुपट्टा नहीं था। और हम बात कर लेते हैं, हम ये है फ्लोर लेंथ गाउन विथ प्लाजो सेट। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के प्रिंट में है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा सूती कपड़ा है, मतलब कॉटन में है, बहुत ज़्यादा अच्छी कॉटन है क्वालिटी। और ये है इसका बैक, यहाँ पे बटन दिया गया है और नेक इसका कुछ इस टाइप से बनाया गया है। स्लीव्स आपको वही 3/4 मिल जाती हैं और यहाँ पे ये पाइपिंग दी गई है ब्लैक कलर में। तो आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर मैं ना 3/4 स्लीव्स ही पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे पहले क्या है ना, मैं पहन लेती थी शॉर्ट मतलब यहाँ तक वाली, लेकिन अभी मुझे 3/4 वाली ही अच्छी लगती हैं, वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। अब जब कभी इस टाइप की स्लीव्स पहनूँ ना तो अनकम्फर्टेबल सा फील होता है, तो इसीलिए
मुझे यहाँ तक वाली स्लीव्स ज़्यादा पसंद है और वो अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पे फ्लो लेंथ हमारी ये गाउन मिल जाती है, गाउन में घेर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, ठीक है। और ये है इसका प्लाजो, तो प्लाजो भी कॉटन में ही है, बहुत अच्छी क्वालिटी है कॉटन की। और यहाँ पे इलास्टिक दी गई है दोनों साइड में, मतलब क्वालिटी भी अच्छी है इलास्टिक की। और यहाँ पे ये प्लाजो दिया गया है, कुछ इस टाइप से प्रिंट दिया गया है इसका, ठीक है। और ये है आया है इसके साथ में ये दुपट्टा, तो दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों ही अच्छी है। तो देखो ये कुछ इस टाइप से प्रिंट है इसका, लेने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये पूरा ही सूट मुझे बहुत पसंद आया था, पिछली बार भी मैंने एक सूट ऐसा ही मंगाया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गर्मियों में तो इस टाइप के कपड़े ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। और अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और सेट है, ये प्लाजो कुर्ता सेट है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये पैरेट ग्रीन कलर है इसका, और देख सकते हैं आप लोग, ये कलर भी मेरे पास नहीं था, आप लोगों ने एक भी नहीं देखा होगा, तो इसीलिए मैंने ये कलर मंगाया। और एक आध जो ड्रेसेस हैं वो इस टाइप की भी होनी चाहिए ना अपने पास, कलर्स डिफरेंट होने चाहिए हर बार में। ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि रेड ब्लैक ये सारे कलर्स मेरे पास ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इस टाइप के कलर्स मेरे पास नहीं थे तो इसलिए मैंने मंगाया। और यहाँ पे देखो स्लीव्स मिल जाती हैं, ये स्ट्रेट कुर्ता हमें मिल जाता है, एकदम स्ट्रेट कुर्ता है। और इसकी स्लीव्स के ऊपर कुछ इस टाइप से लेस लगाई गई है, लेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और प्लेन अगर कुर्ता है तो उसके ऊपर लेस वगैरह तो होनी ही चाहिए, तो और भी ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं ड्रेस के अंदर। और ये नेक इसका कुछ इस टाइप से बनाया गया है, पीछे यहाँ पे ये डोरी दे दी गई है, और इसके जो टैसल्स हैं उसमें यहाँ पे बटन दिए गए हैं, कुछ इस टाइप से बटन लगाए गए हैं वाइट कलर में। ये है इसका बैक, ठीक है। और यहाँ दामन पे भी हम देख लेते हैं, तो वही लेस जो स्लीव्स के ऊपर लगी है वही लेस यहाँ पे भी लगी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को पहले ये दिखा देती हूँ, तो ये है इसका बॉटम, तो यहाँ पे ये इलास्टिक दी गई है, इलास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो यहाँ पे ये प्लाजो दिया गया है, तो ये जो कपड़ा है ना ये हम इसको विंटर्स में भी पहन सकते हैं, मतलब हल्की फुल्की सी जब स्टार्टिंग सर्दियाँ होती हैं ना उस टाइम पे हम इनको पहन सकते हैं, तो इसी वजह से मैंने क्या है ना ये मंगा ली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दुपट्टे की, तो इसका जो दुपट्टा है वो कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जालीदार दुपट्टे जो होते हैं ना नेट वाले, कुछ उस टाइप का लग रहा है मुझे, लेकिन ये नेट नहीं है। आप लोग मुझे बताना कि इसको क्या कहते हैं इस कपड़े को, ठीक है। तो इस दुपट्टे की लेंथ और विड्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कंट्रास्ट दिया गया है पैरेट ग्रीन के साथ में, पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और बस यहाँ पे दुपट्टे के चारों साइड में इस टाइप की लेस दे दी गई है, देखो ये लेस दी गई है। और देखो मैं आप लोगों को दिखाऊँ दुपट्टे की, देखो कितना ज़्यादा लंबा चौड़ा सा दुपट्टा है ये, तो उसका ये दुपट्टा रहा। और एक और कुर्ती है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो एक ये है कुर्ती, ये देखो, तो ये कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग को कोई भी चीज़ अच्छी लगी, मेरे कपड़े कोई भी ड्रेस मेरी अच्छी लगी, तो आप लोग को मैं इनका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी अमेज़ॉन पे जो है ना सेल भी चल रही है, तो आप लोगों को अच्छे खासे ऑफर में मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखो ये 3/4 स्लीव्स के ऊपर यहाँ पे कुछ ऐसा पट्टी वाला डिज़ाइन दिया गया है रेड कलर में, और यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का वर्क दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी पहनने के बाद में, सच में मुझे बहुत पसंद आई थी ये। और यहाँ पे कुछ ऐसे चुन्नट टाइप की दी गई हैं, इसका घेर बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये चुन्नट चुन्नट दी गई है पूरे में, ठीक है।
ये बॉटल ग्रीन कलर का गाउन नहीं बोल सकते, ये मेरे नी से मतलब मेरे घुटने से नीचे तक आ रहा है, तो ये इस टाइप की फ्रॉक है, कुर्ती है, मतलब कुछ भी बोल लो इसको, तो ये कुछ इस टाइप की है। और ये देखो इसका घेर घेर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो ये तो थे मेरे सारे ड्रेस, कैसे लगे आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी ड्रेस आपको अच्छी लगी है वो आप लोग परचेज कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक होंगे, ठीक है, तो लिंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और अभी अमेज़न पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट भी मिल रहे हैं, सेल भी चल रही है, तो आपको और अच्छे मार्जिन में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए अभी मैं एंड यहीं पे कर रही हूँ, मैं तो फिर से एक नए ब्लॉग में ब्लॉग लेकर के आऊँगी, और आप लोग मुझे नेक्स्ट टाइम सजेस्ट करना कि मैं नेक्स्ट टाइम किस चीज़ का हॉल लेकर के आऊँ, ठीक है, अमेज़न हॉल किस चीज़ का लेकर के आऊँ, क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरी देख ही ली हैं, जैसे कि मैंने ड्रेसेस का कर लिया है, सैंडल्स का, पर्स का, ये सारी चीज़ें तो मेरी हो गई हैं, लेकिन आप मुझे सजेस्ट करना कि अब मैं किस चीज़ का हॉल करूँ, ठीक है। तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज़।